बिग्बॉ में तो अभी 40 के आसपास कंटेंट अभी ऑलरेडी लाइव है। हमारे ओरिजिनल बिग बॉ में जो पहले से कंटेंट मतलब एक 21 सितंबर को हमने रिलीज़ किया था चैनल 21 सितंबर 2020 में, तो उसमें हमने 4 कंटेंट हमारे ओरिजिनल थे, कुछ 10-15 कंटेंट हमारे शॉर्ट फिल्म थे और कुछ मूवी के राइट्स दे रहे ऐसा करके 37 के आसपास हमारे पूरे कंटेंट हुए। तो अभी हमारा जो आज का जो कंटेंट आ रहा है वो हिडन है, तो हिडन के साथ हमारे बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी शूट जो हमारे सब कुछ हुए तो वो 7 के आसपास हमारे शूट हुए, मतलब हिडन तो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब 16 जुलाई को हमारा रिलीज़ है, आज ट्रेलर लॉन्च किया, तो हिडन है, रावण इज़ बैक है, फिर बिम्बा करके है, चल दंगल समझूं गयो ये एक है, अंबुश एक है, और लव स्टोरी का एक कंटेंट है, और एक दो कंटेंट है, ऐसा 7 कंटेंट है, हाँ 7 कंटेंट है, और एक बड़ा मूवी मेरा आ रहा है आने वाले 6 महीने में, मतलब उसका शूट 50% के आसपास हुआ है, बोलोज करके मराठी मूवी है लेकिन हिंदी में भी डब हो जाएगा। ऐसा है अभी इतने कंटेंट तो हमें लेके चल रहे हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारे हमारे साथ पास कंटेंट रहेंगे, कुछ हम फैशन शो भी कर रहे हैं, ओरिजिनल फैशन शो भी कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में फैशन शो हो जाएंगे, बहुत सारे हमारे पास अभी शॉर्ट फिल्म भी आए तो वो भी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ कर ऐसा ऐसा हर महीने में हम 2 कंटेंट अभी रिलीज़ करने वाले हैं। और अभी पहला इंडिया में पूरा एप्लीकेशन चल रहा था, अभी मेरे कस्टमर जो है तो 90,000 के ऊपर है, अभी लाइव कस्टमर है मुझे यूज़र्स है, और आने वाले मतलब दिन में आने वाले 2 महीने में हमारा 1 मिलियन के आसपास हमारा कंटेंट हो जाए, मतलब यूज़र्स हो जाएंगे, और इंटरनेशनली परसों ही हमें मतलब एप्लीकेशन लाइव हुआ हमारा इंटरनेशनली 177 कंट्रीज़ में हमारा एप्लीकेशन लाइव हुआ, और अच्छी तरह से मतलब वहीं से भी इंटरनेशनल भी बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। अभी मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र या इंडिया के लिए चैनल नहीं रहा, तो ऑल वर्ल्ड में ये चैनल का अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट हुआ है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट हम दे रहे हैं, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से हम आगे भी जा सकते हैं। पिंग पॉन्ग से अप्रूवल आने के बाद पिंग पॉन्ग शायद ऐसा OTT है जिसमें हार्डली कम दिनों में हमको अप्रूवल मिला, हम लोग बाकी और जगह पे गए थे लेकिन पिंग पॉन्ग से काफ़ी फास्ट आया अप्रूवल, हम लोग ने बहुत चालू किया, अभी कास्ट आएंगे तो उन लोग अपना अपना रोल बताएंगे। मैं एक बिंग राइटर डायरेक्टर हूँ, एक शॉर्ट में बता दूँ कि एक्चुअली 3 सीजन की वेब सीरीज है, पहले सीजन में कैरेक्टर्स के इंट्रोज है जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं, इसमें मेन चीज़ ये है कि संतोष जुवेकर जो रोल कर रहा है प्रदीप राजे ACP, उसको उसकी खबरी का इन्फो आने के बाद कि एक लड़का है जिसने 2017 में अपने दोस्त का मर्डर किया हुआ और वो अभी उम्र का काट रहा है, इसकी सुपारी नहीं, इतने सालों बाद इसकी सुपारी नहीं, और राजे हल्का की कोई इन्फॉर्मेशन डक नहीं करता क्योंकि उन लोग का 10 साल एसोसिएशन है, तो वो उसके खबर के ऊपर रिलाय करते हुए ये चीज़ कमिश्नर के पास लेके जाते हैं और लोग इस केस में एंटर, उनको ये नहीं पता कि इस केस में एंटर करने के बाद हिडन क्या है, क्योंकि उसके बाद जो इनके ऊपर चीज़ें आना चालू होती हैं, वो लड़के को बचाने के लिए प्रदीप राजे उसको क्राइम ब्रांच की कस्टडी में लेता है, उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट्स इस क्राइम ब्रांच टीम के साथ होना चालू होते हैं वो इसके लिए अवेयर नहीं होते, तो उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो हिडन बेसिकली। सर आप बताइए एसोसिएशन बेसिक हमने जो प्रोड्यूस भी की तो विशाल भाई ने प्रोजेक्ट लाया हमारे साथ, हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है और पिंग पॉन्ग चैनल ने अप्रूवल दे दिया है, तो हमारा पार्ट तो सिर्फ वही था, पिंग पॉन्ग ने अप्रूवल दिया, फंड अरेंज किया और जो भी हुआ ऑन फ्लोर विशाल सर लेके गए, और जो है वो हिडन आपके सामने है, ये फर्स्ट सीजन इसका सेकेंड और थर्ड सीजन और बैलेंस है और आपका सपोर्ट लगेगा। एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग था इस कोविड के टाइम में शूट करना, पूरी टीम को साथ में लेके चलने? नहीं नहीं, उसका हम लोग ने मेक श्योर किया था कि कोविड के जैसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है हम फ्लोर पे जाएंगे, बेसिकली एवरीथिंग फॉल इन टू प्लेसेज, हम लोग ने जो प्लान किया था वो एक्चुअली वैसे होते गया, एग्जीक्यूशन वैसे होते गया, हमने जो डेज रखे थे उसके कम टाइम में हमने इसको ब्रेक किया,
मुझे अभी तक पता नहीं इंडिया में कितने 14 दिनों में वेब सीरीज लॉक की होगी, ग्रैब किया होगा हमने, किया बड़ा है। में कम से कम 27-30 का ड्यूरेशन मेंटेन करके चलना, 7 एपिसोड्स में और 14 डेज में लॉक करना, कास्ट को पूरा क्रेडिट जाता है, मेरे क्रू को पूरा क्रेडिट जाता है। सीरीज एक्चुअली इसके अंदर कितने लेयर्स है, ये स्क्रिप्ट जब मैं आर्टिस्ट को भेजी थी तो 4 एपिसोड के बाद सब रुक गए थे कि सर अभी डायरेक्ट शूट पे बात करेंगे, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेयर्स के साथ है। फ्लैशबैक में कुछ मर्डर्स भी है, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। समय दीक्षित को क्राइम ब्रांच का अपने पास लाना, उस बंदे के पास की चीज़ें और खुलते जाते हैं, उसके अंदर उसके ऊपर लगा हुआ खून का इल्ज़ाम, जहाँ पे वो रुका है वहाँ पे एक लड़की की मौत, बहुत सारी चीज़ें इस समय दीक्षित के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसका फेस भी हमने रिवील नहीं किया इसमें। तो वो बंदा क्या है, वो बंदा कितना चैलेंज लेके आता है क्राइम ब्रांच के, जो इनको, इनके क्राइम ब्रांच को, इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, इनके फैमिली को वो असर करता है। तो ऐसे इस बंदे में है क्या, ये चीज़ हिडन है, और ये इन लोग कितने हद तक कॉस्ट करेगी इस क्राइम ब्रांच को, ये आगे 2-3 सीजन में आपको मालूम पड़ जाएगा। सर आप हुआ है वो एकदम मिड पीक और सेमी पीक कोविड के बीच में हुआ है शूट, और उसका टोटल क्रेडिट एक ही इंसान को जाता है, वो है विशाल सर, जो शूट करना है इतने लिमिटेड टाइम में विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, और उसमें काम निकालना है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं नेक्स्ट डे शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उस फेज़ में पिंग पोंग जीवन जाधव जैसे इंसान के साथ काम करना एज अ प्रोड्यूसर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे और महेश भाई के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य का ये था, और आज उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी, उसके लिए थैंक यू, एंड बहुत ही उनको शुभकामनाएं देता हूँ मैं, और विशाल सावंत को स्पेशली बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़िया काम करते रहे, और आगे थैंक यू। लास्टली सर आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, तो क्या लगता है सर किस तरह का कॉम्पिटिशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी OTT है, हॉटस्टार की बात करें, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, क्या है कि हर एक OTT का अलग जॉनर है, राइट, हमारा भी अलग अलग आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा फाइनली डिसाइड नहीं हुआ कि ये जॉनर से हम चलेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे कंटेंट डालेंगे, मतलब क्या है कि ओरिजिनल रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब पिंग पॉन्ग में हिडन है तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, हॉटस्टार जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उधर ये चीज़ नहीं, और अभी जो OTT के लिए मतलब ज़्यादा भी पैसा नहीं है, मतलब लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उनको एक वेब सीरीज़ में भी, मतलब एक वेब सीरीज़ के लिए भी रिचा सब्सक्राइब किया तो भी उनको मतलब अच्छा होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, और दूसरी चीज़ है कि अच्छे कंटेंट दे देंगे तो मुझे लगता है कि कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे भी कंटेंट अभी मार्केट में ऐसा है कि छोटे छोटे मराठी शॉर्ट फिल्म भी चलते हैं, तो क्यों चलते हैं कि उनका कुछ ना कुछ अलग सा रहता है, राइट, और दूसरी एक बड़ी चीज़ मैं बताना भूल गया, ये दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश भाई और विशाल भाई, मतलब भाई जैसे हमारे, मतलब एक दो 4-5 महीने से हमारे एक कंटेंट से दोस्ती हुई, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब इनका बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट है, और हम मतलब आज मैं सब लोगों के साथ बोलता हूँ, ये हमारे परमानेंट लोग हैं, मतलब कभी इन्होंने कभी भी मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इन्होंने साइन किया ना तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमने अप्रूव किया, मतलब इतना, मतलब ये प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट भी करते, और विशाल भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से, मतलब ये वेब सीरीज, बड़ा वेब सीरीज पिंग पॉन्ग के लिए दिया, मतलब आज मुझे एक महसूस होता है कि आज से पिंग पॉन्ग ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में जाएगा, शुरू हो जाएगा, थैंक यू। थैंक यू। वेब सीरीज जो अभी आ रही है 16 जुलाई को, पिंग पॉन्ग नए OTT प्लेटफॉर्म है, ये जैसे आपने अभी ट्रेलर तो देखा है तो आपको पता ही चला होगा कि ये कहानी ड्रग्स माफिया, जो ड्रग्स की वजह से आज की जो युवा पीढ़ी है उसके कुछ गलत परिणाम हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ जो पुलिस एक टीम है, एक पुलिस की टीम है जिसमें मैं हूँ, मेरे कैरेक्टर का नाम है SCP प्रदीप राजे, से हम मेरे साथ इंस्पेक्टर, वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रांग इंस्पेक्टर दक्षजीत ये भी हैं,
संदीप उसमें एक बहुत अच्छा और बढ़िया करेक्टर निभा रहे हैं। तो हम सब मिलकर इस ड्रग्स कार्टल के खिलाफ लड़ रहे हैं इस फिल्म में। अब वो लड़ाई कैसे है, किस तरह से हम लड़ रहे हैं और क्या क्या प्लान बन रहे हैं, किस तरह से हम प्लान को फॉलो कर रहे हैं, ये आपको इस फिल्म सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एसीपी कैरेक्टर आज तक जो मैंने किरदार निभाया है, जो वेब सीरीज मैंने करी है, जो फिल्में मैंने करी है, ज़्यादातर मैंने काम मराठी में किया हुआ है, उसके बाद कुछ काम कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ हिंदी में। तो उसमें एक मेरी हिंदी वेब सीरीज है हिडन, ये आज तक जो मैंने रोल किया उससे काफ़ी हटके है। ज़्यादा बड़ा चैलेंज इसे नहीं लगा क्योंकि टीम बहुत काबिल थी, डायरेक्टर से लेके प्रोडक्शन टीम से लेके जो सारी कास्टिंग हुई सभी एक्सपीरियंस सारे आर्टिस्ट पूछ पाए। एक तो टीम वर्क बहुत अच्छा था और सबको फ्रीडम थी अपने अपने किरदार को समझ के अच्छे तरीके से करने के, डायरेक्टर ने अच्छी फ्रीडम दे रखी बचा रही सबको और सबका एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बहुत अच्छा था। जैसे हमारे सीनियर हैं वो ऐसा नहीं था कि मतलब एक इंसान सिर्फ कर रहा है और कमांड कर रहा है, सबको फ्रीडम दिया है लेवल की चीज़ें होंगी तो मज़ा आया। थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि इतने कम टाइम में सारा फ्रीडम कम्प्लीट करना था, उनको अगर गलती से कुछ चीज़ें जो होती तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती थी तो, लेकिन टाइम पे बड़े परफेक्टली अच्छी होगी और टेलर देखने के बाद एक्चुअली लग रहा है कि यार जो किया था वो परफेक्टली बना है। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए और सीजन टू की भी तैयारी है। वैसे पूछा कि ये कोविड के टाइम शूटिंग करना कितना मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, बहुत रिस्क भी थी, लेकिन उसका दूसरा जो साइड है वो है ये साइड है कि कोविड के टाइम हम सब घर के अंदर थे तो कुछ काम करने के लिए मिल रहा है, जो कहाँ पे परफॉर्म करना है तो ये परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये बहुत आनंददायी था मेरे लिए कि चलो कुछ ना कुछ तो काम शुरू हो रहा है। तो वो रिस्क था, लेकिन ये जो हिडन वेब सीरीज़ है जब विशाल सर ने मुझे सुनाई थी तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सर 2 दिन का ही काम है, लेकिन मैं ऑलवेज मराठी में भी और जहाँ भी काम करता हूँ मैं लेंथ नहीं देखता, मैं कैरेक्टर की डेप्थ देखता हूँ। तो उसी प्रकार की डेप्थ जो है ये टिपर कैरेक्टर में है, जो रियल में भी पुलिस के बहुत सारे टिपर्स रहते हैं जिनकी वजह से पुलिस उस मकाम तक पहुँचते हैं, उसको अगर कोई क्रिमिनल है उस तक पहुँचने के लिए जो ब्रिज है वो जो टिपर का जो ब्रिज है वो हर पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं। तो उसी प्रकार का एक टिपर जो स्लम एरिया में रहता है और इम्पोर्टेंट टिप्स राजी को देता है, वो किरदार छोटा किरदार मैं निभा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये सब बहुत थिएटर से सब संतोष है, मेरा दोस्त सब थिएटर से और विशाल भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है तो उसके साथ और पिंग पोंग के साथ मैं इस वेब सीरीज से जुड़ गया हूँ, तो इसका मुझे बहुत प्राउड है और बहुत आनंद है। जीत सिंह, मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ प्रभाकर वेलापुटी, जो कि एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन मुंबई में ही बड़ा बड़ा है और ऑफिशियल वर्क उसका ज़्यादा है, रिपोर्ट्स वगैरह को एनालाइज करना उसका कम है। जो मेरे कलीग्स हैं उनका फील्ड वर्क ज़्यादा है, उनका एक्शन बहुत अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये ऑडियंस के लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो हैं बहुत अच्छे राइटर भी हैं और जो डायलॉग्स इसमें लिखे गए हैं कौशल ने इसमें बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं, बड़े ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट करके लिखे गए हैं कि जो कि सुनने में मज़ा भी आएगा। एक्सक्यूज मी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स डायलॉग्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दोनों का ब्लेंड है जो कि आपको एंटरटेन करता है, लगता है कि वाह क्या ब्यूटीफुली चीज़ करी। तो आप उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत सारी चीज़ें इसमें पसंद आएंगी और टीम में से बहुत सारे लोग इसमें से ऊपर उठेंगे। ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो सकती है जिसका इंतज़ार रहता है इस इंडस्ट्री में, एक्टर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर को। तो उम्मीद करता हूँ कि हम आप सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन कर पाएंगे। हिडन विशाल के और हिडन विशाल की सीरीज हमारे डायरेक्टर साहब विशाल साहब, मतलब
उनकी मैं कितनी तारीफ करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सबसे पहली बात, मतलब ये हिडन वेब सीरीज इतना सडन प्लान हुआ और इतना क्विकली शूट हुआ। आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई वेब सीरीज का कंप्लीट सीजन 14 दिन में, बिगिनिंग टू एंड, मतलब कंप्लीट शूट 14 दिन के अंदर पूरा सीजन हो गया। और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ क्राइम ब्रांच ऑफिसर संदीप रायकर का। संदीप रायकर बेसिकली एक मराठी बैकड्रॉप का बंदा है जो मुंबई में पला बड़ा है, और विशाल सावंत का संदीप रायकर डेयरिंग है, फियरलेस है, एक्शन के साथ बहुत फ्रेंडली है, और डेयरिंग ऑफ कोर्स है ही है। तो विशाल सावंत के कैरेक्टर को समझने में और मुझे पोर्ट्रे करने में जो कॉपरेशन दिखाया है डायरेक्टर साहब ने हमारे, दैट वाज लाइक अमेजिंग। और ये वेब सीरीज करने में मुझे बहुत मज़ा आया। इवन द वे होल टीम वर्क, जीत सिंह सर, शजीत सिंह, संतोष जुवेकर भाई, रोहित का मुझे बड़ी देर से पता चला कि रोहित भी इस वेब सीरीज में कैरेक्टर कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर का। तो मेरे लिए बहुत ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रोहित परशुराम और मैं हिडन वेब सीरीज़ में इंस्पेक्टर गजरे, जो एक मराठी बैकग्राउंड का किरदार प्ले कर रहा हूँ। जब सबसे पहले मैं विशाल सर से मिलने गया था तो उन्होंने मेरा लहजा, जो मराठी का ही आता है, आई एम बेसिकली फ्रॉम भोर पुणे, तो मैं एक मराठी बंदा हूँ, मैं मराठी मुलगा है, तर माझा भाषेचा टोन वो देख के उन्होंने कहा कि तुम एक गजरे कैरेक्टर अच्छा प्ले कर सकते हो। लेकिन गजरे पढ़ने के बाद, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि यार ये मेरी लैंग्वेज से सिर्फ सिमिलैरिटी रखता है, ये एक्चुअल मेरे कैरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है, ऐसे मुझे लगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी। अगर मैं गजरे के बारे में बताऊँ तो अगर वो पुलिस इंस्पेक्टर है, पी आई है, तो ऑब्वियसली उसे ज्वाइन किए हुए 8-10 साल तो हुए होंगे। तो मैंने ये सोचा कि यार पुलिस इंस्पेक्टर एक लीन नहीं हो सकता है, तो आई गेन 8 kg वेट विद इन 72-18 डेज। बहुत कुछ खाया, बहुत सारे कैलोरीज लिए, थोड़े चबी गाल बनाए, तो बहुत इंस्पेक्टर लगना चाहिए कि यार ये खाता पीता है इंस्पेक्टर है ये। और विशाल सर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये दी थी कि पूरा सीरीज एक सीरियस जोन में जा रहा है, तो यू आर द फ्लेवर इन दैट सीरीज, एक अलग राहत देके जाओगे अगर लोग तुम्हें देखेंगे उस सीन में, उस किरदार में, तो जितना ऐड कर सकते हो उतना करो, मैं तुम्हें फुल ऑफ लिबर्टी देता हूँ। ये जो एक विश्वास था लिबर्टी का, तो विश्वास के वजह से इंस्पेक्टर गजरे का कैरेक्टर मैं बिल्ड कर पाया। जैसे बताया जा रहा है कि 14 दिन में शूट हुई है, आप लोगों के लिए कितना चैलेंज था? एक्चुअली कौन सा है, विशाल जी आए थे दर्शन करने के, तो हम लोग अपने, जैसे मैंने आपको कहा कि इनमें एक क्रिएटिविटी जो दिखता है, तो उन्होंने मुझे नरेशन स्टार्ट किया, पर हम लोग कंटेंट अच्छा देने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छा ही कंटेंट बना रहे हैं, उसे हर एक कॉन्टेंट को स्टोरी बोर्ड के साथ पूरा कास्टिंग क्या होना चाहिए, थिएटर आर्टिस्ट होने चाहिए, जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको अच्छा चांस मिलना चाहिए, तो वो देख कर इस पर वर्कआउट कर रहे थे। तो जिस दिन उसका फुल नरेशन किया, हिसाब से विशाल जी नरेशन कर रहे थे, उनके आंखों में दिख रहा था वो, और जब कोई अपने को नरेशन करता है तो वो विजुअल होना बहुत जरूरी है। जैसे वो मुझे नरेशन दे रहे थे तो पूरा विजुअल हो रहा था, तो फिर शूट हुआ पूरा, सब संतोष जी सभी आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत अच्छा, जैसे रोहित है बहुत अच्छा काम किया। पूरा सीरीज देखने के बाद जो मैंने विजुअल किया था उससे 10 गुना अच्छा सीरीज बन गया है। अच्छा वर्कआउट करके भी प्रोजेक्ट हम लोग अच्छा वर्कआउट करके कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए। क्योंकि मैं कहने के बारे में कहना चाहूँगी, ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो सीरीज़ देखने में मज़ा नहीं रहेगा, बट शी इज़ वेरी सिंपल हैप्पी गो लकी गर्ल जो कॉलेज गोइंग है, और कुछ सीन में आपको वो दिखेगी कि वो बहुत सिंपल गर्ल है, अपने दोस्तों के साथ हंस के बात करती है, ऐसे सिंपल काइंड ऑफ गर्ल है, लेकिन कुछ सीन में आपको दिखेगा कि मिस्टीरियस थोड़ा सा कैरेक्टर है जो सेकंड सीजन में वो रिवील होगा। सो मेरे कैरेक्टर के बारे में भी मैं इतना ही बता सकती हूँ। सर आप बताएं।
मेरा नाम संजय सोनू है और मैं इसमें मुकुल शर्मा एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा पूरी टीम के साथ, डॉक्टर विशाल के साथ, अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। अपने कैरेक्टर के बारे में इतना ही कहूँ, अभी कुछ नहीं बताना चाहिए, रहस्य है, रोमांच है, ये हिडन है, हिडन ही रहना चाहिए। जब आप देखें मैं पूरा सीरीज तो आपको पता चलेगा। मुकुल शर्मा, थैंक यू।